खबर लक्सर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में विधायक मोहम्मद शहजाद की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएचसी प्रभारी सैयद रफी अहमद व सीडीपीओ सुधा त्रिपाठी और स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कर्मचारी भी शामिल रहे। इसके अलावा आशा कर्मचारी और एएनएम भी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएचसी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सैयद रफी अहमद के मुताबिक विधायक मोहम्मद शहजाद की अध्यक्षता में वार्षिक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा हिस्सा लिया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं और उनके मानकों के अलावा मौके पर स्वास्थ्य विभाग की खामियों पर विमर्श कर संशोधन और समाधान पर भी चर्चा की गई। लक्सर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। के बहुत ही अच्छे कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम खराब नहीं होता, बस सकते वो जमीन पर सही उतरे। और मैं समझता हूँ कि मैं प्रधान बीडीसी और भाई ब्लॉक प्रमुख हैं और अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, अगर हम सब मिलकर कार्य करें एक दूसरे के बजाय कमेंट करने के, हम इसका गांव में जाएं और वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करें, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कार्यक्रम चलेगा और चलना भी चाहिए। सरकार अगर खर्चा कर रही है तो जनता को लाभ मिलना ही चाहिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। विधायक जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक जन संवाद करके प्रोग्राम रखा था, जो हर साल हुआ करता है हमारे यहाँ सीएचसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अवसर पर। तो इसमें यह है कि सब सेंटर उपकेंद्र से लेकर के जो गांव में हुआ करता है, वहां से लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक, जिस बीच में आम मतलब के सीएचओ का भी लेवल आता है और सबसे एएनएम भी आती है, टीएचसी भी आते हैं, टाइप ए टाइप बी और फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इनमें यह है कि जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा हमारे स्तर से दी जाती हैं लोगों के बीच में और कर्मचारियों के बीच में, उनके क्या जानकारी है, हमारी सुविधाओं का स्तर क्या है, हम कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो वही नंबरिंग हम ये कैटेगराइजेशन किया जाता है। और हम जो भी निकल के बातें आती हैं कि हम क्या नहीं दे पा रहे हैं, उसको कैसे सुधारा जाए, इसमें यही जनसंवाद